नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि एक बार श्री कृष्ण ने राधा जी के पैरों की चरणामृत भी पी लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण बीमार पड़ गए थे। उन पर किसी भी जड़ी बूटी और दवा का कोई असर नहीं हुआ। सभी परेशान थे। श्री कृष्ण जानते थे कि वो किस तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे थे। पूरा गांव परेशान था। ऐसे में उन्होंने सभी गोपियों के दुख देखकर अपना इलाज गोपियों को बता दिया, जिसे सुनकर गोपियां चकित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से चरणामृत पिलाने के लिए कहा, भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि जो उनके परम भक्त या जो उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो, उसके पांव को धोने वाले जल को ग्रहण करने से वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियों को और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पांव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया, तो वो परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक न हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। तभी इस दौरान वहाँ राधा रानी आ जाती हैं। श्री कृष्ण की हालत देखकर वो गोपियों से उपाय पूछती हैं, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपाय बता देती हैं। राधा जी फौरन पांव धोकर उसका चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ जाती है। गोपियों के मन में जो नरक जाने की भय था, वो राधा जी के मन में भी था, परंतु उनके लिए उस समय केवल श्री कृष्ण का स्वस्थ होना सबसे अहम था। श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वो नरक जाने के लिए भी तैयार थे। श्री कृष्ण ने राधा जी द्वारा बनाया गया चरणामृत ग्रहण किया और थोड़ी देर में वह स्वस्थ हो गए, क्योंकि राधा जी के प्रेम और भक्ति में सच्ची निष्ठा थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियो को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।